मारो यार, एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसको जज करो या उसकी बुक फाड़ दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय फ्रेंड, कैसे हो? आज मेरे पास आया Y95 कॉम्बो के लिए, कॉम्बो फिटिंग के लिए। तो Y95 मॉडल है जो होगा, इसका कॉम्बो फिटिंग किस तरह से करना है, जो आप परफेक्ट फिटिंग मिले उसके लिए हम फिटिंग करेंगे। पहले आप कॉम्बो को मैं से बाहर निकाल लो, मैंने पहले ऑलरेडी थोड़ा काम कर दिया है, फिर मैं याद आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इसके लिए पहले बढ़िया से इसको क्लीन करना है, फ्रेम को एकदम सिंपल क्लीन करनी है, अच्छे से क्लीन करनी है अपने फ्रेम को, ताकि कोई दिक्कत ना आए अपने। परफेक्टली क्लीन करनी है, कॉम्बो एकदम जीरो फिटिंग आ जाए। आप क्लीनिंग के लिए स्ट्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, सब क्लीनिंग ईजी से हो जाएगी। कैमरा ग्लास चिपकाने का टेप आता है साथ में, कैमरा ग्लास है, ये कैमरा ग्लास है, कंपनी ओरिजिनल कैमरा ग्लास है ये। तो अभी हम इस टेप को, जो गम आती है कैमरा चिपकाने की कंपनी फिटिंग लेने के लिए, उस गम को उतारेंगे हम। ये ले लिया हमने गम को, उसके बाद हम 3mm टेप की गम होती है इस तरह से लगा देंगे, ये इस तरह से हमने गम को लगा दिया। एकदम परफेक्ट गम लग जानी चाहिए, थोड़ा ऐसे घिसो के परफेक्ट गम लग जाएगी, जैसे कि अभी परफेक्ट गम लग गया है। उसके बाद हम अपने कैमरा ग्लास को देख लेंगे कौन सी साइड ठीक है, उस साइड को पकड़ लेंगे हम इस तरह से, एक साइड से ऐसे खोल के एक साइड का ऊपर रखना पड़े, थी सीधा इसके अंदर फिट कर देना बस। एकदम सिंपली परफेक्ट इसके अंदर फिटिंग आ गया कैमरा ग्लास अपना, देखो आप एकदम परफेक्ट फिटिंग आ गया कैमरा ग्लास, देख सकते हो आप। उसके बाद हमारा कॉम्बो है, तो डिस्प्ले हमने मार्केट से लेके आ गए हम, डिस्प्ले देख लो, एकदम परफेक्ट डिस्प्ले है। डिस्प्ले को भी हमें फिटिंग करना है परफेक्ट तरीके से, किस तरह बिठाना है हमें वो आपको मैं तरीका बताऊंगा। देखो अभी ये डिस्प्ले है, ये फुल वाला डिस्प्ले है, तो हमारे को ध्यान रखना है कि नीचे गम कम लगाना है हमारे को, है ना। इसमें थोड़ा सा पहले ऊपर की जाली लगा देते हैं, इस तरह से जाली लगा देते हैं, इस तरह थोड़ा सा हम इस गम को थोड़ा सा यूज़ करके ये कॉम्बो चिपकाने का गम आता है, इसको थोड़ा सा यूज लेके कॉम्बो की डाली जाती है, स्पीकर की डाली जाती है, ये हमें लगा देनी है डिस्प्ले के ऊपर वापस डाले, ताकि इससे भी हमारी फिटिंग की क्वालिटी अच्छी बनती है। ये भी अपने जो इस गैप होता है, गैप टू गैप मिला के लगा देनी है हमारे को, ताकि हमें फिटिंग अच्छी मिल जाए और हमारा कस्टमर भी खुश हो जाए। ये सब ये जाली लग गई इसके अंदर। उसके बाद हम इसका गम लगा देंगे चारों तरफ, ऐसे ऐसे गम लगाते हैं हम चारों तरफ। देखो हम ऐसे गम लगानी है हमें, फ्रेम को पकड़ लिया था कॉम्बो में, जहाँ पे कॉम्बो लगाना है वहाँ पे अच्छी तरह से गम लगा देंगे ऐसे ऐसे, और नीचे का भाग है वो छोड़ देना है, वहाँ पे गम नहीं लगानी है, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले का पत्ता होता है,
और प्रॉब्लम कर सकती है, डिस्प्ले बंद हो सकती है, टच बंद हो सकती है, इसलिए नीचे नहीं लगानी है, ऊपर ऊपर ही लगानी है। ये देख लो डिस्प्ले में इस प्रकार से गम लगानी है हमें। परफेक्ट गम लगने के बाद इसको एक मिनट के लिए साइड में रख देना हमें, थोड़ा सा गम सूख जाए, इधर उधर ज़्यादा फैले नहीं। उसके बाद डिस्प्ले के पीछे पत्ते के ऊपर से ये वाला उतार के अपने पत्ता सीधा एंगल में लेके ऐसे बिठा देना है, बस एकदम ओके बैठ गया। देखो आप ऐसे बैठते ही सीधा सीधा अपने फ्रेम के अंदर सेट कर देना है बम्बो को। ऐसे अभी देख लो ये सेट हो गया, ये सेट हो गया एकदम कम्प्लीटली, ये सेट हो गया बम्बो एकदम जीरो फिनिशिंग के साथ, अच्छी फिटिंग आई है बम्बो की। फिर बेल्ट लगा दो ऊपर इसके, बेल्ट लगाने के बाद ये वाला बेल्ट लगा दो बैटरी का। उसके बाद फोन को खोल दो, देख लो अपना फोन स्विच ऑन हो गया है। इतने में स्विच ऑन होता है उतनी देर हम साइड पीछे का जो स्टिक है वो लगा देंगे। ये याद करके मैं ज़रूर लगाना है, नहीं तो फ़ोन में कॉम्बो प्रॉब्लम हो सकता है, वापस आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये फिंगर का बेल्ट लगा लो पहले, इस तरह से फिंगर का बेल्ट लगा के फिर अपने को ऊपर वाला स्ट्रिप लगानी है। इस तरह से स्ट्रिप लग गई, अब इसके ऊपर स्क्रू लगा देना है हमें। दो तीन स्क्रू लगते हैं, वो स्क्रू लगा देना है हमें ऊपर इसके। कोशिश करा फ्रेंड वही स्क्रू लगाने की जहाँ जो आपने यहाँ से खोले हैं, वही स्क्रू लगाने की कोशिश करें। उसके बाद ऐसे रख के इसको बंद कर दो आप, इस तरह से इसको बंद कर दो। ये देख लो फ्रेंड अपना जो है फोन एकदम कंप्लीट रेडी हो चुका है, कंप्लीट तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो इसके ऊपर रबर बैंड लगा लो थोड़े, दोनों तरफ रबर बैंड लगा लो आप, कंप्लीट रबर बैंड लग गई। इस तरह से हमारी फिटिंग एकदम कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसके अंदर आप चेक भी कर सकते हो, देखो मैं आपको चेक करवाता हूँ। 1, 2, 3, 4 सब कीबोर्ड चल रहे हैं, एकदम कम्प्लीटली चल रहे हैं, कम्प्लीटली वर्क कर रहे हैं। इस तरह से हमारा कॉम्बो फिटिंग तैयार हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको और कोई ट्रिक जाननी हो तो हमें कमेंट में बता दें इसके बारे में। कुछ आपको मोबाइल रिपेयरिंग करवाना है तो भी हमें कमेंट में बता दें, हमारा नंबर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारे। ओके फ्रेंड्स।